अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? सिंस क्लास में आज आप ही शो हो रहे हैं, सिंस इट्स फर्स्ट क्लास, तो मैं हाल में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स में भी रिकॉर्डिंग को देख सकते होंगे। कंपनी लॉ स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, उसके लिए आप अपने पास किताब डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट ले लीजिए, बिकॉज हमने वही किताब अब इस्तेमाल करनी है। जब हम क्लास कर रहे होंगे तो हम जब भी जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि हम बुक से हम कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं, कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा क्लास का फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्लास का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। क्लास का फॉर्मेट हमारे पास ऐसा होगा कि फ्रॉम एवरी क्लास, आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है, इससे ऑनवर्ड हमारी हर क्लास हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमारे पास 1 आवर की क्लास है, 3 हिस्से किस तरह होंगे? फर्स्ट 15 मिनट्स इज द क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। इसमें 2 रूल्स हैं, या तो मैं आपसे सवाल करूंगी या आप सवाल करेंगे। पहले मैं आपको ऑप्शन दूंगी कि पिछले लेक्चर से जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ ना पूछा तो फिर मेरी टर्न होगी, ठीक है। तो 15 मिनट्स उसके हो गए। नेक्स्ट 30 मिनट्स हम पढ़ेंगे जो भी हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। एंड लास्ट के 15 मिनट्स हम किस तरह कंज्यूम करेंगे कि हमारा जो भी टॉपिक जो हमने पढ़ा होगा क्लास में, उससे रिलेटेड आईकैप के कोई सवाल जो है हम उसको क्लास में सॉल्व करेंगे। सो हर क्लास में जो हम पढ़ेंगे दैट इज हाफ एन आवर, ठीक है। 15 मिनट्स इज क्वेश्चन आंसर सेशन एंड 15 मिनट्स इज पास पेपर। जी, एस ए एम के नाम से हम स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। एस ए एम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अपना माइक भी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं और आप चैट में भी कर सकते हैं। ओके एस ए एम, अगर आप अपना नाम अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, दैट वुड बी वेरी इजी टू कॉल यू। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। कल हमने जब ओरिएंटेशन की जो हमारी क्लास थी, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास कंपनीज एक्ट है, कुछ सिक्योरिटीज एक्ट की रेगुलेशंस भी थी, लेकिन वो बहुत थोड़ी थी, ठीक है। और बेसिकली हमने कंपनी लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट को स्टडी करना है, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट 2017 है, अभी रिसेंट है, न्यू बना है। इससे पहले हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता था, ठीक है। इसकी लैंग्वेज पिछले ऑर्डिनेंस से काफी इजी है। अगर आप उसको खुद से स्टडी करना चाहेंगे बेयर एक्ट को, तो इतना डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं है। पर आपका सिलेबस जो है, ठीक है, दैट इज वेरी, अभी आपके पास लॉज नहीं है, रूल्स नहीं, सिर्फ बेसिक आपके पास एक्ट में से सेक्शन है, रूल्स में से नहीं है। अगर हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा कि कंपनी आखिर होती क्या है, ठीक है। कंपनी क्या है? जी, अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके बताना चाहें, बिकॉज आई वॉन्ट दिस क्लास टू बी वेरी इंटरेक्टिव। लॉज की जो क्लास होती है, चाहे वो टैक्स लॉ हो, चाहे वो बिजनेस लॉ हो, इट शुड बी वेरी इंटरेक्टिव, अदरवाइज आप 10 मिनट बाद भी बोर हो जाते हैं। तो आपकी पार्टिसिपेशन भी होगी तो अच्छा रहेगा। क्या ख्याल है, क्या होती होगी कंपनी? आप बहुत सारे नाम सुनते हैं, क्या जहन में आता है, कंपनी क्या है? जी उस्मान, चैट में ही लिख लीजिए। कभी कोई नाम सुना है कंपनी का, कोई एक अदद नाम जहाँ प्रॉफिट के लिए बिजनेस हो रहा हो? बिल्कुल सही है, प्रॉफिट के लिए बिजनेस हो रहा हो। कोई नाम बताते हैं कोई कंपनी के नाम? जी, मेहती साहब, कोई नाम? इतने सारे, देखिए हमारे पास जब हम टीवी लगाते हैं एडवर्टीजमेंट चल रही होती हैं, ठीक है। एडवर्टीज, कोई भी हम शो लगाते हैं उससे पहले वो कहते हैं कि इस शो को स्पॉन्सर किया है इन इन कंपनीज के अंदर। हमारे पास टेलीकॉम की इतनी कंपनीज है, हम एडवर्टीजमेंट देखते होते हैं, जॉन जैसे पीएमसीएल, पीएमसीएल, फिर
पेरेंट कंपनी हमारे पास ये तो जायज प्रोडक्ट है इसकी, ठीक है। आपने बहुत सारे कोलगेट पामोलिव लिमिटेड इस तरह के नाम सुने होंगे। अगर हम वैसे देखें तो सो मेनी कंपनीज, पोजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इस तरह के बहुत सारे आपके पास नाम आते हैं, ठीक है। या कोई पर्सन आपसे कहता है कि मैं इस कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, कोई उस कंपनी का आखिर नाम होगा, ठीक है। तो लॉ हमें क्या कहता है, कंपनीज एक्ट 2017 क्या कहता है, आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, बड़ी आसान सी। लिखता है कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर कंपनी लॉ। अभी इस एक्ट के मुताबिक एक्ट कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2017, कि वो कंपनी जो इस एक्ट के मुताबिक बनी है, इस एक्ट के मुताबिक फॉर्म हुई है और फिर उसको रजिस्टर किया। अब फॉर्म और रजिस्ट्रेशन का सफर है, ठीक है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अभी हमारे पास जो हमारे पास ये जो फर्स्ट मंथ ऑफ क्लासेस होगा उसके नाम यही देखेंगे, पहले फॉर्म कैसे हुई, ठीक है, फॉर्म इस फॉर्म के अंदर क्या क्या कंटेंट आता है और फिर हम उसको जाके रजिस्टर करते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप जब बिजनेस करेंगे, ठीक है, पहले तो आप उसको सारा बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। सपोज हम करते हैं कि उस्मान साहब ही ये बिजनेस खोलते हैं, क्या है, हम कहते हैं कि जी सपोज हमारे पास ये जो बिजनेस है, ये हमारे पास एक मोबाइल अपनी शॉप खोलना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक शॉप खोलेंगे, सही है, उसके अंदर क्या करेंगे, मोबाइल उसका सामान रखेंगे, जाहिर बात है उसको इक्विप्ड करेंगे, यानी कि उसकी इन्वेंट्री होगी, उसको स्टॉक उधर लेके आएंगे, उसके अंदर ढेर सारा था, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सोचेंगे कि यार इधर तो एक सेल्समैन की भी जरूरत है, हमने जी सेल्समैन भी रख लिया, फिर हमने कहा यार हमें तो सिस्टम भी चाहिए, हमने ये जो मोबाइल शॉप है मुझे कुछ सिस्टम चाहिए जिसके अंदर मैं इसकी रिकॉर्ड करूंगा, सारे काम करूंगा, मैं ये सारे काम करना स्टार्ट करते हैं। जब हमारे सारी ये प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज हो जाती हैं, तो आप कहते हैं चलो जी अब एक ग्रैंड सा इनॉग्रेशन करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन इनॉग्रेशन करने से पहले पता है कि जनाब जब मैं ये शॉप खोल रहा हूँ या खोल रही हूँ, तो इससे पहले मुझे इस शॉप की कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है किसी जगह पे, ऐसा ही है। ये मुझे बताना, आपको आइडिया होगा कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं किसी कमर्शियल एरिया में, तो आपको उसके लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है, जैसे आपने उसका प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, इस बिजनेस को अगर जैसे आप ये मोबाइल की शॉप खोल रहे हैं और आपने इसके अंदर जो अपना ये जो मोबाइल फोन सेल करने हैं, ये PTA अप्रूव सेल करने हैं, ऐसा ही है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। अब तो आपको आइडिया होगा क्योंकि हम लोगों को टैक्स भी देना पड़ता है जब हम फोन लेते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, इसको कोई आपके पास कोई लाइसेंस या इस तरह की कोई और चीज आपको लेनी पड़ेगी। तो ये वाला जो प्रोसेस था, दिस इज योर फॉर्मेशन का प्रोसेस। और लाइसेंस क्या हो गया, ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि अगर फॉर्मेशन का वर्ड कहीं यूज हो रहा है या रजिस्ट्रेशन का वर्ड यूज हो रहा है, तो ये दो डिफरेंट चीजें। तो अगर हम ये तो मैंने आपके सामने एक बात कर दी उस्मान साथ मोबाइल शॉप की, अगर आप कंपनी बनाने लगे हैं, कंपनी के अंदर तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम अभी स्टडी करेंगे। तो ये कहता है कंपनी की डेफिनेशन के अंदर, एक कंपनी क्या है, जो फॉर्म्ड है या रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। मुझे एक बात बताते हैं कि अभी जो मैंने आपके साथ ये पेंट की स्क्रीन शेयर की, मैं लिख रही थी, क्या ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही थी, उस्मान और मेहदी, क्या आपको ये नजर आया कि मैंने सारी चीजें एक जगह पे पेंट की स्क्रीन पे लिखी हैं, क्या आपके साथ ये शेयर हो रही थी? No, ma'am.
आप शेयर हो रही है? जी उस्मान और मेहदी, सही है। ये मैं सारा साथ साथ लिख रही थी जो कि आपको नजर नहीं है, मैं इसको फिर देख लेते हैं एक दफा। मैंने आपसे कहा ये बिजनेस है, आपने मोबाइल शॉप खोलनी है, तो शॉप को आपने इक्विप्ड किया विद इन्वेंटरी, उसमें सेल्समैन रखा, कुछ रिकॉर्डिंग के लिए आपने कुछ सॉफ्टवेयर रखा, ठीक है। ये आपकी तमाम थी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज थी, ठीक है। हमने कहा रिकॉर्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और इसके साथ आपको एक चीज यहाँ कि आपको जो है आईटी से रिलेटेड यानी कि आईटी की तमाम चीजें चाहिए होंगी, सॉफ्टवेयर भी रख लिया, आपको एक अदर गार्ड भी रखना होगा, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। मैंने कहा ये तमाम चीजें आपकी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज थी। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के बाद अगली चीज आपने क्या लेनी थी, लाइसेंस। लाइसेंस लेने के लिए आपको तमाम ये काम पहले करने पड़ते हैं, ठीक है। जब आप ये तमाम काम करते हैं तब आपको लाइसेंस मिलता है, ठीक है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस है। आप क्या करते हो, आप ड्राइविंग स्कूल के अंदर जो आपके गवर्नमेंट का होता है पहले अप्लाई करते हो, ठीक है, उसकी क्लासेस लेते हो और फिर टेस्ट देते हो। अगर टेस्ट पास हो गया तो लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसका मतलब है लाइसेंस के लिए ये कंडीशन है, ऐसा ही है, ये तमाम चीजें कंडीशंस हैं टू ऑब्टेन लाइसेंस। इसमें से कुछ कंपलसरी कंडीशंस होंगी और कुछ टेम्परेरी होंगी। फॉर इंस्टेंस टेम्परेरी मतलब कुछ कंपलसरी होंगी जो कि आपके पास इस टेस्ट का पास करना है, दिस इज योर कंपलसरी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर्मेशन वो है कि जो आप उसको पहले बनाने के लिए तमाम काम करते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होगी ये आइंदा की क्लासेस में हम देखेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होगी इसको भी हम देखेंगे। और अब लेकिन एक चीज तो हमें पता है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्मेशन की तमाम कंडीशंस फुलफिल होंगी तो रजिस्ट्रेशन होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इस केस में यानी कि हमारे पास हम दोबारा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जी अब हम क्या पावर पॉइंट की डेफिनेशन की तरफ स्विच हो चुकी है? स्क्रीन शेयरिंग में कोई इशू तो नहीं आ रहा किसी के साथ? ओके चले, तो अब हम डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं, देखते हैं। लिखता है कंपनी फॉर्म्ड, अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक। ये एक्ट क्या है ये भी मैंने आपको बताया, ये एक्ट है कंपनी एक्ट 2017 और कंपनी लॉ। इजंट इट कंफ्यूजिंग? अच्छा जी एक्ट की बात आपने कर दी, वो तो हमें पता है कंपनी एक्ट 2017, कंपनी लॉ क्या है जी? ये उसने एक बड़ी अजीब सी बात कर दी, कंपनी लॉ क्या है? आगे ही डेफिनेशन लिखी हुई कंपनी लॉ की। अब कंपनी लॉ की डेफिनेशन क्या है, कंपनी लॉ से मुराद ये है कि आज से पहले जितने भी लॉज आए थे रिलेटिंग टू द कंपनी, ठीक है, अगर उसके तहत भी बनी है तो वो भी कंपनी है। क्यों ये उसको बताने की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा अगर ये डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक होती, अंडर दिस एक्ट तक होती और ये वाली चीज इसमें शामिल ना होती, तो इसका मतलब है कि कंपनीज एक्ट 2017 जब आया था तो उससे पहले भी तो कंपनीज एग्जिस्टेंस में थी और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक चल रही थी, ऐसा ही है। तो क्या हुआ अब वो तमाम कंपनीज अपने आप को दोबारा से रजिस्टर करवाए, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, सही है। अब तमाम हमने अभी देखना है कि कंपनीज की जो एक्ट है या कंपनीज की डीलिंग अथॉरिटी कौन होती है, तो मैं आपको वैसे ओवरव्यू दे देती हूँ, होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम SECP कहते हैं, ठीक है। इसके ऑफिसर्स हैं हमारे पास, इसके 9 ऑफिसर्स है रीजनल और एक हेड ऑफिस है। अगर आपको याद हो, अगर आप मेट्रो का सफर करते हो इस्लामाबाद के अंदर, तो आपको पता है कि आपके पास एक टर्मिनल आता है जिसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ ही हमारे पास SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी ऑफिस मौजूद है, ठीक है जी। तो हमने कहा ये SECP के अंदर रजिस्टर्ड होती है, तो अगर कंपनी एक्ट 2017 तक ये डेफिनेशन लिमिटेड होती, इसका मतलब ये था कि जितनी भी कंपनी पाकिस्तान में है, अब वो कितनी कंपनीज है सो मैनी, ठीक है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर SECP की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, बल्कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर
अपनी आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर SACP की वेबसाइट को भी इसी तरह आपकी क्लास में आपके सामने उसको सर्च करेंगे और उसको देखेंगे उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या लिखा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो इस मुश्किल को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कंपनी लॉ का एक वर्ड ऐड कर दिया और हमें बताया कि कंपनी लॉ क्या है। बताया कि कंपनी लॉ से मुराद वो तमाम पुराने लॉज हैं जिनके तहत कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर है, अगर कंपनी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्टर है तो भी कंपनी है, अगर वो कंपनी रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913 के मुताबिक रजिस्टर है तो भी कंपनी है। अब ये जो कंपनीज एक्ट 1930 है ये बिफोर आपके पाकिस्तान के बनने से पहले का है, ठीक है। अच्छा जी, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 क्या है, आप लोग बिजनेस लॉ पढ़ चुके हैं और उसके अंदर आपने देखा था कि प्रेसिडेंट क्या होता है कि ऑन इमीडिएट बेसिस अगर कोई लॉ प्रपोज करना चाहे तो वो कर सकता है और उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। प्रेसिडेंट ने प्रपोज किया और हमने उसको देखा था कि विद इन 90 डेज उसको आपने अपनी पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव करवाना होता है। पार्लियामेंट से मुराद आपके पास नेशनल असेंबली और सेनेट है, और जब वो अप्रूवल दे देती है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट। तो ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 जब आपको बनाया गया और जब ये अप्रूव हो गया तो ये बन गया कंपनीज एक्ट 2017। तो अब हम एक कंपनी की डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं और समझते हैं क्या हमें समझ आई है। हमने कहा लिखा है कंपनी फॉर्म, तो फॉर्म का सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे अभी आगे देखना है बहुत डिटेल में। किसी वैसे अगर ओवरव्यू देखें, हम कंपनी बनाना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि उस्मान मोबाइल शॉप खोलना चाहते हैं, अगर उस्मान ही कंपनी बनाना चाहते हैं क्या करेंगे, पहले तो सोचेंगे जी कंपनी में बनाऊंगा किस चीज की, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिजनेस क्या करेगी, फिर उसका नाम क्या होगा, नाम रखना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नाम रख लिया तो उसके बाद फिर आगे और चीजें चलेंगी, तो ये तमाम चीजें क्या है उसके फॉर्मेशन का हिस्सा है। जब फॉर्म हो गई तो फिर हम उसको करवाएंगे रजिस्टर, किसके साथ कराएंगे, SACP के साथ कराएंगे, और कौन सा एक्ट फॉलो करेंगे, कंपनीज एक्ट 2017 या फिर कंपनी लॉ, ठीक है, कि या तो किसी और इन लॉज में से किसी भी लॉ के तहत बनी हो या कंपनीज एक्ट के लॉ के तहत बनी हो जी। यहाँ अगर क्लियर है तो बताइए डन और हम आगे चलते। जी हमारे पास सामा आफ्ताब भी है। अस्सलाम वालेकुम सामा, आपको आवाज और स्क्रीन सब क्लियर हो रहे हैं? ओके, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। अच्छा, हम ये डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये डेफिनेशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन बार बार, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को पढ़ने का मतलब हर चीज ये नहीं है कि बल्कि है कि व्हेनेवर आप कंपनी का नाम सुनेंगे आपको पता होना चाहिए कंपनी का कोई और मतलब नहीं बल्कि ये मतलब है जो कंपनी एक्ट के तहत बनी हो, रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913 के मुताबिक बनी हो, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनी हो, या फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 के तहत बनी हो, दैट्स इट, ठीक है। आपके डेफिनेशन आपको हमेशा इसी तरह याद रहते हैं कि जब भी उसका वर्ड आए आगे कहीं आप रिकॉल करें कि इसका मतलब क्या है। जब भी आप इस तरह करेंगे तो आपके लिए डेफिनेशन आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको भूल जाएगी, ठीक है जी। अब बॉडी कॉर्पोरेट हम देखते हैं जी, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। अब हुआ ये कि जैसे हम एक बात करते हैं, हम कंपनीज तो बहुत सारी है, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा जो डेफिनेशन थी उसने तो उसमें कहा कंपनी से मुराद कि जी आपके पास जो फॉर्म्ड या रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट हो, ठीक है। हम दोबारा अपनी स्क्रीन खोलते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब हमने कहा जी कंपनी तो हमारी जो है कंपनी एक्ट 2017 के अंदर बन गई, या फिर आपके पास 1913 का है, या फिर ऑर्डिनेंस आपके पास 2016 का है, ठीक है, और या फिर ऑर्डिनेंस जो आपके पास 1984 का था,
मैं पुल नहीं लिख रही क्योंकि अभी हमने इसको अभी अभी देखा है। अच्छा जी, इनके तहत बन गई। अब आपने सुना होगा कि जी हमारे पास बहुत सारी कुछ कंपनी ऐसी भी तो होती है जो कि पाकिस्तान में नहीं बनी होती बल्कि किसी और मुल्क में बनी होती है और उनका ऑफिस पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास एक कंपनी है NTPC, ठीक है, नाम तो सुना होगा कि आपके पास एक बिलिंग कंपनी है, ठीक है, काफी फेमस कंपनी है, इसके अंदर लोग नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे होते हैं और ये कंपनी रजिस्टर जो ओरिजिनल कंपनी है वो कहीं और है, हमें हॉस्पिटल की कुछ इस तरह की कंपनी है उसके बारे में, उसका जो बिलिंग है जो उसकी अकाउंटिंग हो रही है बिलिंग की, उसके जो बिल्स बनते हैं कितने पेशेंट से कितना रेवेन्यू आया इसी तरह है, वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और कंपनीज होती हैं जिनके हेड ऑफिस क्या होते हैं या जिनका जो बिजनेस होता है वो आउटसाइड द कंट्री होता है, किसी फॉरेन में हो रहा होता है, लेकिन सिंस उनको ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट रिलेटेड टू अकाउंटिंग या मैनेजमेंट जो कॉस्ट होती है वो पाकिस्तान के अंदर कम पड़ी होती है, तो उनके ऑफिस पाकिस्तान के अंदर होते हैं, मैनेज वो पाकिस्तान से हो रही होती है, ठीक है। अब है तो वो भी कंपनी, आपने सुना होगा आपकी फैमिली में कोई पर्सन कह रहा होगा कि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। चलिए, मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? हमने कहा जी आपने, आपको पता है टेलर नॉर्वे की कंपनी है, पाकिस्तान में भी काम कर रही है। रॉन्ग, चाइना की कंपनी है, पाकिस्तान में भी काम कर रही है। वारिद, सही तरह है, वारिद तो चलो अब उसने अक्वायर कर लिया जायज ने। बहुत सारी और कंपनीज है जो हैं तो किसी और कंट्री की लेकिन काम पाकिस्तान में कर रही है, ठीक है। अब वो जो किसी और कंट्री की है तो इसका मतलब है अगर हम टेलीनॉर की बात करें तो टेलीनॉर जो है हमारे पास बनी तो नॉर्वे के अंदर है, ऐसा ही है। अब पाकिस्तान के अंदर भी फुल फ्लेज काम कर रही है। जोंग हमारे पास तो चाइना की कंपनी है लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी फुल फ्लेज काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये इनकॉर्पोरेट या फॉर्म्ड या रजिस्टर्ड तो पाकिस्तान में तो नहीं हुई है लेकिन इसके अफेयर्स पाकिस्तान के अंदर भी है, इसका क्या कोई ब्रांच पाकिस्तान के अंदर है या इसका यहाँ पे भी बिजनेस कर रही है, ऐसा ही है। दबाव में आप सबके यही बात आती है ना जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बात करते हैं कि जी वहाँ पे भी काम कर रही है और यहाँ पे भी काम कर रही है, लेकिन कंपनी ने तो कहा था कि वो कंपनीज जो कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर हो, तो फिर क्या इन कंपनीज को हम कैसे कॉल करेंगे, ये कौन सी कंपनीज हैं? तो बड़ी आसानी है, SECP ने कोई रेगुलेशन इशू करते हैं, ठीक है, SECP हम यहाँ पे करते हैं, SECP ने कोई एक नया रेगुलेशन इशू करना है और वो तमाम कंपनीज के लिए, ठीक है। अब कंपनी ने SECP ने कोई रेगुलेशन इशू करना है, अब SECP कहता है कि जी ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है तमाम कंपनी। हमने कहा अच्छा, कंपनी तो हमें यह पता है, कंपनी तो वही है जो 2017 के मुताबिक फॉर्म और रजिस्टर हो, तो फिर इन कंपनी का क्या हुआ? तो SECP ने आसानी की, ये रेगुलेशन कंपनी पे भी है और साथ में एक और वर्ड लिख लिया, बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी है। इसका मतलब ये हुआ, यहीं से पता चल गया कि कंपनी तो वो है जो कंपनी है 2017 के मुताबिक हो या फिर आज से पहले जितने भी कंपनी से रिलेटेड लॉस हैं उनके मुताबिक हो, और इसके अलावा कोई भी अगर और कंपनीज हैं वो क्या होंगी, वो बॉडी कॉर्पोरेट होंगी। अगर वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर नहीं, कोई मसला नहीं, किसी और एक्ट के मुताबिक रजिस्टर हैं, किसी और लॉ के तहत रजिस्टर हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट होंगी, तो कंपनी ही, ठीक है जी। क्या ये बात क्लियर है? जी चैट में इसको डन कीजिए या क्लियर लिख लीजिए।
ओके तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन में लिखा क्या है। डेफिनेशन में लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। ठीक है, कि भी कोई भी कंपनी इस एक्ट के मुताबिक बनी हो या कंपनी लॉ के मुताबिक बनी हो। हमने कहा हम ये तो डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी के साथ लिखा और का क्या मतलब होता है, या ये हो ऐसा ही है। एंड का मतलब होता है ये। उसने कहा अच्छा ये भी हो सकती है, अगली लाइन भी हो सकती है, इससे अगली लाइन में, इन तीनों में से कोई एक भी अगर ऑप्शन है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। अगला क्या है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। की का ख्याल रखिएगा कि ये देखिए मैंने कंपनी को बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब है कंपनी होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास और टाइप्स ऑफ बिजनेसेस भी होते हैं, हमारे पास और ट्रेडर होता है, पार्टनरशिप भी होती है, होनी क्या चाहिए, सिर्फ कंपनी ही चाहिए और किसी और तरह का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। कंपनी चाहे पाकिस्तान में बनी है, चाहे पाकिस्तान से बाहर बनी है, चाहे वो कंपनी एक्ट के मुताबिक बनी है या फिर किसी और एक्ट के मुताबिक, अगली लाइन में यही बात लिखता है। स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट। स्टैट्यूट क्या होता है, कोई भी लॉ या रेगुलेशन। और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, लॉ या रेगुलेशन को खास तौर पे जब कोई एक बॉडी बनाती है किसी काम के लिए, किसी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास आपको पता है जब कोई सिक्योरिटी का इशू होता है, कोई और होता है, तो कोई ना कोई आपने सुना होगा सर कोविड के टाइम पे भी कि जी दफा फलानी लगा दी गई है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हो। अच्छा, अगर इकट्ठे हो गए तो क्या होगा, क्या होगा, पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाएंगे। तो क्या हुआ, पुलिस वालों को एक अथॉरिटी दी गई। किसने दी, उस लॉ ने दी। वो जो दफा लाफिज होती है वो एक लॉ है, वो एक रेलेवेंट स्टैट्यूट है, वो पार्ट है किसी आइन का, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी रूल्स का। ठीक है, हमारे पास आपको, आपने बिजनेस लॉ पढ़ चुके हैं, वहां पे हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड होता था। ठीक है, क्योंकि डील करता था कंडक्ट को। ठीक है, कि हमारे पास अगर लोगों की कंडक्ट होगी वो कैसी होगी, अगर आप में उससे अगेंस्ट गए तो उसके अगेंस्ट आपको क्या पेनल्टीज या पनिशमेंट होंगे। तो हमने कहा एक एग्जांपल दी कि एक स्टैट्यूट है, आपने एक जो है वो दफा नाफिज कर दी, अगर उसकी खिलाफ वर्जी क्या होगी तो पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाएंगे। पुलिस वालों को ये अथॉरिटी किसने दी, उस दफा ने दी, उस कॉन्स्टिट्यूट ने दी, उस स्टैट्यूट ने दी। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अगर कोई स्टैट्यूट उसको डिक्लेयर कर रहा है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो हम उसे कहेंगे जी हाँ जी ठीक है। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट हमें समझ आया कि बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद कंपनी है जो कि कंपनी एक्ट के तहत बनी हो या फिर पाकिस्तान से बाहर बनी हो या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर कर दे कि जनाब ये बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा, ये तो हो गए इंक्लूड, अगर उसी के आगे लिखा हुआ है बट डज नॉट इंक्लूड। अच्छा, इसमें ना ये दो चीजें शामिल नहीं है। वो दो चीजें क्या शामिल नहीं है, सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी नाम सुना आपने, आप में से किसी ने, सिंस आप लोग आजकल, आपको पता है बड़ा वो एक तो हम तो प्रॉपर्टी की डीलिंग है उसके अंदर एक बड़ा एक बिना शिफ्ट आया इन प्रीवियस 10 to 15 years। इससे पहले लोग मोहल्लों में रहते होते थे और एड्रेस भी ऐसे होता था, अगर आप देखें आप कोई फॉर्म फिल करें तो उसमें ऐसे एड्रेस भी आता था कि जी आपका स्ट्रीट नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, और आगे लिखा होता था मोहल्ला क्या है। अब ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि जी सिक्योरिटी की वजह से क्या हुआ कि हम लोग डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी की तरफ मूव कर गए। ठीक है, तो एनी आइडिया, आपने किसी नाम के साथ सुना हो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई नाम, किसी को एग्जांपल आ रही हो, आप चैट के अंदर वो एग्जांपल लिख सकते हैं और अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मे भी हो सकता है आप में से कोई रह ही ऐसी जगह पे रहा हो जिसके नाम के ऊपर, नाम के अंदर आ ही रहा हो कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी, PWD, ओके। अच्छा जी, हम बताते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, कि कुछ लोग मिलके अपनी मर्जी से वॉलंटारिली, ठीक है, उनपे इन्फोर्स नहीं किया किसी लॉ ने, किसी रेगुलेशन ने इन्फोर्स नहीं किया, बल्कि वो अपनी मर्जी से मिलके एक अपने पास एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाते हैं।
ठीक है। अब उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन का काम क्या, क्या उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, कि कोई हो सकता है कोई वो वेलफेयर पर्पस के लिए बना दे, ठीक है, हो सकता है कि जैसे आपने का ये एक हाउसिंग सोसाइटी का नाम ले लिया, तो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर क्या होता है, क्या वो प्लॉट देने वाली सोसाइटी नहीं, बल्कि उसका क्या काम है, उसका काम है कि वहां पे लोगों की जरूरियात को पूरी करना, फॉर इंस्टेंस हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, या इस तरह के जो भी इश्यूज हैं, क्लीनिनेस, इस तरह के इश्यूज हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी ऑर्गन जो सोसाइटीज होती हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन आपको ये बात भी पता है कि ऐसी सोसाइटीज भी रजिस्टर होती हैं, बिल्कुल होती हैं, कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट के मुताबिक, जो कि उस एरिया में उस जगह पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो उसने कहा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, वो इसकी डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेंगी, ठीक है। वो सोसाइटी जो कि किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के तहत रजिस्टर है, वो बॉडी कोऑपरेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगी। मैंने आपके सामने ये डेफिनेशन भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिख दी है, ठीक है। इसका मतलब है कोऑपरेटिव इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, यूनाइटेड वॉलंटारली, ये खुद से मिलते हैं ये लोग और फिर अपने आप को रजिस्टर करवा देते हैं, टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड एंड एस्पिरेशंस टू अ जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज, ठीक है। तो हमारे पास उसने कहा कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर ये कॉपरेटिव सोसाइटी शामिल नहीं होती, ठीक है जी। अगला ही जो आपके पास पॉइंट है, मैं चाहूंगी आप लोग 1 मिनट लीजिए और इसको रीड कीजिए पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जी रीड कर लिए। अब मैं आपसे कहूंगी कि एनी अदर एंटिटी के बाद जो चीज लिखी हुई है, यानी कि इन दो कॉमर्स के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसको स्किप करके बाकी रीड कीजिए। एनी अदर एंटिटी विच द कंसर्न, इसको रीड कीजिए। क्या समझ आ रहा है? अगर हम जो जो कॉमर्स के अंदर है उसको ना रीड करें और फर्स्ट और लास्ट ये कॉमा के बाद रीड करें, तो क्या कुछ समझ आ रहा है, मुझे चैट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं समझ आ रहा? चलिए जी, मैं खुद ही बता देती हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन इसको थोड़ा समझते हैं। कहते हैं कोई भी एंटिटी हो, अगर हम जो कॉमा के अंदर लिखा हुआ है उसको स्किप कर दें, एनी अदर एंटिटी व्हिच द कंसर्न मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट दे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। मिनिस्टर इन चार्ज, आपको पता होगा मिनिस्टर इन चार्ज क्या होते हैं। बिजनेस, आप लोग बिजनेस लॉ पास करने के बाद ही कंपनी लॉ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिजनेस लॉ में क्या था, वहां पे हमने देखा था कि आपके पास जब आप अपना एरिया से सिलेक्ट होके आते हैं, आप नेशनल असेंबली के अंदर बैठते हैं, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो जब भी आप नेशनल असेंबली में आते हैं, जो भी पार्टी अक्सरियत में होती है वो अपने लिए प्राइम मिनिस्टर चूज करती है, एंड प्राइम मिनिस्टर उसके बाद अपनी एक फेडरल कैबिनेट बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जितनी हमारे पास मिनिस्ट्रीज है, यानी कि जो इदारे हैं हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, उन इदारों का हेड हर एक पर्सन को बना देती है, जो कि उसके फेडरल कैबिनेट का हिस्सा होता है, जिसको हम कहते हैं मिनिस्टर। वो कह रहा है कि अगर कोई मिनिस्टर इन चार्ज, कंसर्न्ड मिनिस्टर इन चार्ज, अब ये कोई भी नहीं हो सकता, ये कंसर्न्ड होगा, ये यूजली कौन सा वाला मिनिस्टर होगा, जो कि एसएससीपी के अंदर बैठा होगा, जो कि वहां पे डील कर रहा होगा। वो कहता है कंसर्न मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, अगर वो नोटिफाई कर दे कि जनाब
ये जो है एंटिटी है इसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर शामिल नहीं करना, तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका मतलब ये है कि जनाब वो जो एंटिटी थी वो क्या है? वो कंपनी नहीं है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कोई और हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि जनाब बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनी हो या वो कंपनी जो किसी पाकिस्तान से बाहर बनी हो, वो भी हमने कहा वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, या कोई स्टैट्यूट उसको डिक्लेयर कर दिया एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट है। और इसमें शामिल क्या नहीं होगा? शामिल हमने कहा कॉपरेटिव सोसाइटी जो कि किसी और कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट के मुताबिक या लॉ के मुताबिक रजिस्टर है, या फिर आपके पास मिनिस्टर इंचार्ज किसी को डिक्लेयर कर दे कि ये कंपनी नहीं, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो हमारे पास बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी। सही है। अब ये टर्मिनोलॉजी हमारे पास ऑफ एंड ऑन आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार हम मीटिंग्स पढ़ेंगे, हम डायरेक्टर्स पढ़ेंगे, हम शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, हम प्रॉस्पेक्टस पढ़ेंगे, वहाँ पे डेफिनेशन बार बार इनका जिक्र होगा। तो कंपनी की डेफिनेशन तो आसान है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट को आपको देखना पड़ेगा। आगे हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई फॉरेन कंपनी। आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं। फॉरेन कंपनी कौन सी है कि जो पाकिस्तान में नहीं बनी? ऐसा ही है कि भाई फॉरेन का, मजे की बात यह है कि इसके अंदर अब कंपनी का नाम भी आएगा और बॉडी कॉर्पोरेट का नाम भी आएगा। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? पाकिस्तान से बाहर। ठीक है, यानी कि अगर कंपनी का नाम आ रहा है तो इसका मतलब है कि जी वो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड जो है वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक हुई है या पे किसी और लॉ के तहत हुई है। और लॉ कौन सा? 1913 कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 या कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन इसकी मुल्क से बाहर हुई। अब एक और वर्ड आ गया, हमने फॉर्म्ड रजिस्टर पढ़ा, अब इनकॉर्पोरेट भी आ गया। ठीक है, तो फॉर्म्ड और रजिस्टर तो मैंने आपको बताया है कि आपने रजिस्टर कराना है। अब इनकॉर्पोरेशन क्या है? इनकॉर्पोरेशन देखिए, अब आपने, मैंने कहा मोबाइल शॉप की एग्जांपल वापस लेते हैं, तो मोबाइल शॉप आपने पहले फॉर्म की फिर उसको रजिस्टर कराया। सपोज हमें, मुझे आइडिया नहीं है इससे ज्यादा, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं पीटीए के साथ कराते हैं। ठीक है, अब जब पीटीए के साथ करा लिया, अब आपने बिजनेस को स्टार्ट भी तो करना है। ठीक है, वो जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप मोबाइल फोन बेचेंगे अंदर, उसके अंदर वो काम करेंगे, सो दिस इज योर इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी। अच्छा, अब कहता क्या है कि ये आपका काम कहाँ हुआ है? मुल्क से बाहर। अब बड़े मजे की चीज इसके आगे लिखा, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लियाजन ऑफिस इन पाकिस्तान, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। यही जो हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि एमटीवीसी की कंपनी है, क्या है कि उसका जो मेन बिजनेस है वो कहीं और हो रहा है, लेकिन उसकी जो अकाउंटिंग हो रही है, उसकी जो बिलिंग का काम हो रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इसी तरह और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका बिजनेस तो कहीं और हो रहा होता है, लेकिन क्या हो रहा होता है कि उनकी कुछ ना कुछ काम यहाँ पे हो रहा था, या ये हो सकता है कि मेन बिजनेस एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर हो रही हो। ठीक है, और बाकी काम मुल्क से बाहर हो रहा हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी के हमारे पास यही डेफिनेशन है लिखा हुआ, प्लेस ऑफ बिजनेस और लियाजन ऑफिस इन पाकिस्तान। लियाजन ऑफिस क्या होता है? लियाजन ऑफिस वो होता है जो कनेक्ट कर रहा होता है दो बिजनेसेस को। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमने कहा आजकल रिसेंटली हमने सुना था कि अमेजोन भी पाकिस्तान के अंदर आ गया। ठीक है, या आपके पास और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज के हम नाम सुनते हैं कि जी उनका ऑफिस भी पाकिस्तान के अंदर खुलने लगा है। अब उसका ऑफिस पाकिस्तान में खुलने से क्या होगा? क्या होगा कि भाई अगर हमारे कोई इश्यूज होते हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आते हैं, जैसे कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें। ठीक है, अगर आप गैजेट जब खरीद रहे होते हैं तो वो कहते हैं कुछ के बारे में, कहते हैं इसकी वारंटी है और इसकी वारंटी नहीं है। लेकिन आप जब गैजेट, सपोज आपने गैजेट खरीदा, उसकी वारंटी शॉपकीपर कहता है वारंटी नहीं है, लेकिन जब आप खोलते हैं उसका एक वारंटी कार्ड पड़ा होता है, तो कहते हैं ये तो कैसा वारंटी नहीं है। फिर जब आप उससे डिस्कस करेंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई इस कंपनी का ऑफिस पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका विशेष वारंटी कार्ड इसके अंदर पड़ा हुआ है,
लेकिन अगर ये खराब हो गया तो पाकिस्तान में तो इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, मैं किसके पास लेके जाऊंगा? बात समझ गए? तो लिएजन ऑफिस से मुराद क्या है कि वो आपके पास उसका ऑफिस जब पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटेशन वहां से मिल सकती है। ठीक है, तो अगर किसी भी कंपनी का लिएजन ऑफिस पाकिस्तान में आ जाए, जैसा गूगल का जो है पाकिस्तान में ऑफिस नहीं है लेकिन इंडिया के अंदर मौजूद है जरूर, ऐसा ही है। तो अगर वो आ जाए तो उससे रिलेटेड और बहुत सारी फैसिलिटेशन आपको मिल सकती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा अब हम कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या होती है, थोड़ा सा ओवरव्यू, क्योंकि ये कुछ डेफिनेशंस की जो बार बार जिसका जिससे हमें स्टार्ट लेना था। अब हम थोड़ा सा, हमने जो कुछ पहले पढ़ा हुआ है, हमने बिजनेस लॉ में पढ़ा, हमने टैक्स में भी इसको देखा, आज हम उसको दोबारा देखते हैं, फीचर्स ऑफ कंपनी। और हमने ये तीन नाम बड़े हमने सुने, तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं, सोल ट्रेडर होता है, पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है। हम जरा पेन दोबारा खोलते हैं। सोल ट्रेडर नाम तो सुना ही होगा आपने बहुत ज्यादा। सोल ट्रेडर क्या होता है कि वो पर्सन जो अकेला अपने बिजनेस को संभाल रहा होता है। ठीक है, आपको भी बिजनेस कर रहे हैं आप, वो क्या करेगा, उसकी मैनेजमेंट भी खुद ही होगा, ऐसा ही है, और उसका ओनर भी वो खुद ही होगा, उसको ओन भी कर रहा है और उसको मैनेज भी कर रहा है, ऐसा ही है। ऐसा ही होता था कि आप उसके ओनर भी होते हो और उसको मैनेज भी कर रहे होते उसके अफेयर्स को। ठीक है, हो सकता है आपने कुछ अपने एम्प्लॉयज भी रखे हो उसकी के लिए, कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने कहा हमने एक शॉप खोली थी, उसके अंदर आप सेल्समैन रख सकते हो, लेकिन होता है क्या है कि आप अफेयर्स को खुद देख रहे हो और उसको ऑन भी कर रहे हो। देन वी हैव अ पार्टनरशिप। जी, बिजनेस लॉ जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है। डेफिनेशन भी थी टू और मोर पर्सन। ठीक है, कैरियर अ बिजनेस। ठीक है, जहाँ पे रिलेशनशिप किसका होता था, एजेंसी का होता था, और बिजनेस कर क्यों रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हमने ये देखा था कि जी पार्टनरशिप के अंदर आपके पास कुछ उसके फीचर्स थे, जी उनके दरम्यान एक रिलेशनशिप होता है, टू और मोर मेंबर्स होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, और बिजनेस का पर्पस क्या है, प्रॉफिट कर रहे होते हैं, और उनके अंदर एक रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है, और ये जो प्रॉफिट्स होते हैं इसको फिर वो बाद में क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, और ये जो बिजनेस का तमाम जो रिलेशनशिप है ये बनता किस तरह है, एक एग्रीमेंट के थ्रू बनता है। ये था वापस पार्टनरशिप। फिर पार्टनरशिप के अंदर ही हमने एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज देखी थी, वो ये देखी थी कि जी पार्टनर्स की जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज होती हैं, और उसको भी हमने समझा था कि जॉइंट क्या होती है, जॉइंट क्या होती है, आपस में तमाम मिलके, ऐसा ही, और सेवरल क्या होती है कि थर्ड पार्टी किसी एक पर्सन से भी कह सकती है कि तुम इसके लिए लायबल हो, या फिर हमने फ्रॉड का केस भी देखा था कि फ्रॉड के केस में भी वही स्पेसिफिकली पर्सन से कहते हैं कि तुम इस फ्रॉड को बेयर करोगे, बाकी पार्टनर्स बेयर नहीं करेंगे, अगर बाकी पार्टनर्स ने भी बेयर कर लिया है तो बाद में ये पर्सन जिसने फ्रॉड किया है वो बाकी उनको रिफंड कर देगा। ठीक है, हमने ये चीज पार्टनरशिप में देखी थी। ठीक है, अब पार्टनरशिप में हमें ये पता है कि जनाब आपकी लायबिलिटी जो होती थी, हमने कहा वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ऐसा ही है कि आपने लायबल होना ही होना, ऐसा नहीं हो सकता कि
कि जनाब आपने कुछ काम किया और आप थर्ड पार्टी को लायबल ना हो. नो, ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं था. आपकी लायबिलिटी होगी, ठीक है. अगर आपकी डेथ हो गई है तो वो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या आपके पास जितनी एस्टेट होती थी उससे रिकवर कर लेते थे, अगर कोई एग्रीमेंट आपकी जिंदगी में हुआ हो. अगर तो आप रिटायर हो गए हो या आपका सारा सोल्यूशन, वो जो केस उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है, तब आप लाइबल नहीं होते. या कोई ऐसा एग्रीमेंट जो आपकी डेथ के बाद किया है, ठीक है, उसके लिए आप लाइबल नहीं होते. अदरवाइज आप लाइबल होगे, ठीक है. ये तमाम चीज आपने पार्टनरशिप के अंदर देखी थी, ठीक है. तीसरा बिजनेस हमारे पास जो आ गया, जिसको हमने देखा है, जो कि है कंपनी. अब कंपनी के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू चलते हैं. हमने कहा सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने फौजी फर्टिलाइजर. एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है. अब क्या होगा, फौजी फर्टिलाइजर है, इसके हमारे शेयर्स हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पड़े हुए, ठीक है. हम क्या कर लेते हैं, ओसामा भी इसके शेयर्स ले लेते हैं, मेहदी भी कुछ शेयर्स ले लेते हैं और उस्मान भी इसके शेयर्स कुछ ले लेते हैं. क्या ख्याल है, अब आपने इसके शेयर्स ले लिए हैं, अब आप इस कंपनी के अफेयर्स को डील करेंगे? क्या ख्याल है, क्या लगता है जी, कंपनी के अंदर कोई नया चेंज आने वाला है? जी मेहदी साहब कहते हैं नहीं, ये चेंज नहीं हो सकता. सपोज करते हैं आपके पास कंपनी के 1 मिलियन शेयर हैं और उसामा ने भी अराउंड 50,000 शेयर इनके पास है, 50 इनके पास है और 50 भी इनके और बाकी और लोगों के पास है. जी क्या ख्याल है, तीनों मैनेज करें कंपनी को मिलके, कंट्रोल करें कंपनी को मिलके? आपने हमने इस चीज को पहले देखा हुआ, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सादारी. इस कंपनी के अंदर आपका कितना हिस्सा है, शेयर का मतलब ये होता है ना, हिस्सा, पोर्शन. अगर सामा 50,000 शेयर्स हैं, हमने कहा एक शेयर सपोज ₹10 का है, अगर एक शेयर ₹10 का है, इसका मतलब है 500,000 रुपीज के मालिक है ये. इसका मतलब है इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी को जो बनाया है उसके अंदर इनका हिस्सा 5 लाख रुपए का है, इनका भी हिस्सा 5 लाख रुपए का है, इनका भी हिस्सा 5 लाख है. इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के मालिक हो सकते हैं, ओनर. ऐसा है ना, जो पैसा लगाते हैं वही ओनर है. लेकिन क्या ये तीनों मैनेज कर रहे, ये एक सवाल है. क्या ये तीनों उस कंपनी को मैनेज भी करेंगे, क्या ये मैनेजमेंट का हिस्सा है? ठीक है, तो जवाब है नहीं. राइट नाउ अभी तो नहीं, ठीक है. हमने कहा ये जो शेयर होल्डर्स हैं, ये अभी तो नहीं, अभी तो ये मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते. क्योंकि देखिए हमने कहा 1 मिलियन का इसका शेयर कैपिटल है, उसमें से 500,000 का मालिक है उसामा, मेहदी या उस्मान, ठीक है. तो इसका मतलब है ओनर तो ये जरूर है, लेकिन क्या ये मैनेज भी कर रहे हैं, दिस इज नॉट श्योर. एक मिल गया, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं दोबारा. अब ओनर मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है. ओनर तो हमें वो पता चल गया कि जी जनाब जिनके पास शेयर्स हैं, जिसको हम शेयर होल्डर भी कहते थे, वो हमारे ओनर थे. लेकिन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए कंप्लीट, जैसे हमने ओरिएंटेशन में देखा आपके पास एक था डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, मीटिंग्स. डायरेक्टर्स इज योर रियल मैनेजमेंट, दिस इज योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैं उसामा से कौन थी, उसामा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई थी, उसामा तो कह रहे मैं तो खुद इस, हाँ आप, हमने कहा आप ओनर हैं, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएं। उसामा कह, मैंने पैसे लगाए हुए भाई, एक्सपर्टीज मेरे पास नहीं है। सपोज हमने कहा जी उसामा डॉक्टर है, मेहदी साहब भी कोई और किसी और प्रोफेशन से हैं, उस्मान साहब भी किसी और प्रोफेशन से हैं, और इन्होंने लगा लिया पैसा, ठीक है। कहते हैं जी हमें नहीं पता अकाउंटेंसी क्या होती है, आप लोग करो, आप लोग इस पैसे को इन्वेस्ट करो, जो बिजनेस चलाना है वो करो, हमें तो नहीं पता। अब पैसे लगाने वाले तो ये चाहते हैं कि बस हमें डिविडेंड दे दो, हमें प्रॉफिट दे दो, हमें मुनाफा दे दो। मुनाफा कमाना कैसे है, डिविडेंड अगर आएगा तो कैसे आएगा, इस पैसे को सही जगह पे कहाँ लगाना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, ये काम मैनेजमेंट करेगी, ठीक है। आप लोग जैसे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, आप कहते हैं आपके, आप क्यों इन्वेस्टमेंट, आप ही पैसा क्यों कहीं और लगाते हैं, खुद क्यों नहीं कुछ कर लेते, इसलिए कि यू डोंट नो अबाउट द मार्केट ट्रेंड, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अपना पैसा किसी एक ऐसी कंपनी को दे देते हैं, ठीक है, जो कि उसको अच्छे से कहीं इन्वेस्ट करेगी और आपको प्रॉफिट देगी। सब बैंक्स होते हैं, बैंक्स आप एडवर्टीजमेंट देख रहे होते हैं, कोई बैंक कहता है कि जी हम 8% जो है मुनाफा देते हैं, कोई कहता है 11% देते हैं, कोई कहता है 12% देते हैं, कोई कोई और बात कर रहा है। आपके आप अगर आप बिल बोर्ड देखें आजकल जो है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बड़े आपके वो चल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती है, फलाना सिटी, फलाना व्यू, फलाना ये, ऐसे वो तमाम नाम आपके पास आ रहे होते हैं और उस पर नजर आ रहा होता है जी हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इतनी आ रही है, रिटर्न ऑन इनकम इतना आ रहा है, ठीक है। तो वो काम ये ओनर्स तो नहीं कर रहे, वो काम आप तो नहीं कर रहे, वो तो मैनेजमेंट कर रही है। तो मतलब है कंपनी के अंदर ओनर और मैनेजमेंट के अंदर फर्क है। ओनर वो है जिसने पैसा लगाया है, ठीक है, जो शेयर होल्डर है, और मैनेजमेंट कौन है जो उस पैसे को लगाने के लिए अकाउंटेबल है। किसको अकाउंटेबल है, इस शेयर होल्डर्स को। मैनेजमेंट का रोल होता है स्टीवर्डशिप का, स्टीवर्डशिप का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबल होती है इस पैसे के लिए। मैनेजमेंट का रोल होता है एजेंसी का, एजेंसी का क्या मतलब है, यू आर द प्रिंसिपल, आपके बिहाफ पे हम क्या है, एजेंट, हम ये जो पैसा आपने हमें दिया है, हम स्टीवर्डशिप का रोल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पैसे को ठीक जगह पे लगाएं, और फिर हम आपको अकाउंटेबल हैं, यानी कि फर्स्ट एजेंसी का रिलेशनशिप आया, स्टीवर्डशिप का रिलेशनशिप आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का रिलेशनशिप आया। तो कंपनी के अंदर आपके पास ओनर सेपरेट हो गए, मैनेजमेंट सेपरेट हो गए। हाँ, जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, जो बहुत छोटी कंपनीज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है ओनर ही मैनेज कर रहे हो, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे कि वो कौन सी कंपनीज है कि जहाँ पे वो कंपनी तो जरूर है, कंपनी क्यों होगी, क्योंकि उसने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया कंपनी एक्ट के मुताबिक, ऐसा ही है। और फिर वो क्या है, वो ओनर ही मैनेजमेंट के अफेयर्स को भी देख रहा होगा, उसको भी हम देखेंगे कि वो कैसे होता है। आपने सिंगल मेंबर कंपनी का नाम भी सुना होगा कि एक ही बंदा होता है, ठीक है, अब क्या हुआ, उसने अपने आप को अगर कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर करा लिया तो वो कंपनी बन गया, ठीक है, वो सोल ट्रेडर नहीं रहा, क्लियर हो गया। तो आज हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया है कंपनी, और कल जब हमारी क्लास होगी हम इसी डिफरेंस को, ये जो हमारे कंपनी से रिलेटेड है, इसी को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और आपसे मैंने आपको भी पहले बताया, आपकी क्लास को हमने 3 हिस्सों में जो डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, उसके तहत फर्स्ट 15 मिनट एसक्यूएल क्वेश्चन आंसर सेशन, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और हम फर्दर इसको देखेंगे। अभी हो सकता है हमारी इनिशियल की फर्स्ट 2 क्लासेस के अंदर हम पास पेपर में भी डिस्कस ना करें, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड, इतने इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, या तो डेफिनेशन की फॉर्म में आते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा नहीं, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप तो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं, आप वहाँ पे सवाल कर सकते हैं, कोई भी किस्म का सवाल आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, इवन इनफैक्ट अगर आप सवाल वहाँ पे पूछ लेते हैं तो हम ये करेंगे कि हम अपनी क्लास को प्रॉपरली शुरू करेंगे, हम 15 मिनट्स वहाँ पे यूज नहीं करेंगे।
ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच उसामा, उस्मान एंड मेहदी. अल्लाह हाफिज. कोई भी सवाल हो काइंडली व्हाट्सएप पर कीजिएगा.